हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से आई रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 766 निकाली गई है, तो काफी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन और कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करना चाहते हैं तो आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप विजिट करके रीड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो के साथ में। यहाँ पे आईबी ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो फॉर द पोस्ट ऑफ एसीओ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड जेआईओ फर्स्ट सेकंड ग्रेड, और जैसे कि केयर टेकर, और इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 766 है, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो निकाली गई थी वो 22 जून 2022 को आई है, और विद इन 60 डेज अप्लाई आपको यहाँ पे करना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACIO फर्स्ट एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 70 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे आपको जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो आपका लेवल 8 का रहेगा। और एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो डेपुटेशन या फिर अब्सॉर्प्शन ऑफिसर अंडर द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और डिफेंस फोर्स में रेगुलर कैडर, पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट में वर्क किया होना चाहिए, और यहाँ पे लेवल 7 पे मैट्रिक्स होना चाहिए। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी में रहेगा, और लेवल 5 यहाँ पे आपकी पे रहेगी। और यहाँ पे डिफेंस फोर्स वाले जो एक सर्विस मैन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने करी हुई है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पे लेवल 4 का यहाँ पे रहने वाला है पे स्केल। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर डिफेंस फोर्सेज में एब्जॉर्प्शन ऑफिसर एज अ वर्क किया होना चाहिए, और 5 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए विद लेवल 3। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको विद इन 60 डेज के अंदर यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे यहाँ पे सेंड करने होंगे। और ये यहाँ पे जो पीरियड रहेगा वो 3 ईयर्स का रहेगा। और ये थी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। अगर आप ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।